और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास ने की इजरायली शहर में बमबारी। बड़ी जानकारी आ रही है और खबर ये मिल रही है कि अश्कलोन इलाके में कई धमाके हुए हैं और उसके बाद आग लग गई है। हमले से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अश्कलोन इलाका है जहां पर धमाके से आग लगी है। तस्वीरें देखिए, ये पूरा का पूरा जो धमाका हुआ है उसके बाद आग के शोले उठते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा जो धुआं है वो आसमान में भर गया है। ये हिस्सा इस वक्त जो देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर, हमास ने इजरायली शहर में जो बमबारी की है उसकी तस्वीरें हैं। अश्कलोन इलाका है जहां ये धमाका किया गया है और देखिए इस वक्त आपको एक भी आदमी, एक भी शख्स सड़कों पर नजर नहीं आएगा क्योंकि हर कोई अपनी जान को महफूज बनाए रखने के लिए छुपा हुआ है। तो हालात बिगड़ते हुए लगातार हम देख रहे हैं और इस बीच देखिए एक और अहम खबर आ रही है, इजरायली सैन्य बेस पर हमास ने हमला कर दिया है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने मिलिट्री ठिकाने तबाह कर दिए हैं। सैन्य वाहन और सर्विलांस सिस्टम को यहां पर निशाना बनाया गया है, बर्बादी हुई है। हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो हमास की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला है जिसमें इजरायली सैन्य बेस को बनाया गया है निशाना। एक और बड़ी खबर आ रही है हमास के हमले से जुड़ी हुई। हमास के हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। पैराग्लाइडर से इजराइल में घुसने की कोशिश की थी हमास ने। रॉकेट फायर के बीच एक्शन में फाइटर्स दिखाई दिए हमास के। अल कासम ब्रिगेड ने जारी किया है वीडियो और दिखाया है किस तरह से उन्होंने इजराइल में इन्फिल्ट्रेट किया, कैसे पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया गया। अल कासम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दिखाया है कि कैसे रॉकेट फायर के बीच एक्शन में उनके फाइटर्स थे और इस तरह से इसराइल के भीतर घुसे थे हमास के लड़ाके। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, ये जारी भी हमास की तरफ से किया गया। हमास के अल कासम ब्रिगेड है जिसने वीडियो जारी किया। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एक और खबर ये मिल रही है कि इजरायली हेलीकॉप्टर पर गोलाबारी हुई है। रॉकेट लॉन्चर से यह हेलीकॉप्टर पर निशाना बनाया गया है। दो दिन में 4 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स पर निशाना बनाया गया है। हमास ने हेलीकॉप्टर्स को पहुंचाया है नुकसान। हमास हर उस हथियार को, हर उस जरिए को इस वक्त इसराइल के खत्म कर देना चाहता है जो इसराइल के लड़ने में इस मौजूदा हालात में मदद करेगा। और ऐसे में अब देखिए हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया गया है हमास के जरिए। और हमारे साथ लगातार डिफेंस पैनल भी जुड़ रहा है, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। परिचय करवा देती हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल के जे सिंह डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव नयन भी हमारे साथ सीनियर रिसर्च एसोसिएट IDS से जुड़ रहे हैं, SA से जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी मनीष झा और वॉर ग्राउंड से सुमित तो लगातार रहे ही। सबसे पहला सवाल मनीष मेरा आपसे, मौजूदा हालात में बार बार ये कहा जा रहा था कि हमास की तरफ से जो तेजी के साथ ये अटैक अभियान शुरू हुआ है ये लंबा नहीं चल पाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं 2.5 दिन के लगभग हो गया है और ऐसे में हालात लगातार और ज्यादा विनाशक होते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इजराइल अब बदले के लिए तीसरे दिन अपनी पूरी ताकत लगा रहा, लेकिन इसके बावजूद अगर हमास ये लड़ाई में लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उसका मकसद ये है कि हमास ने इसकी भी तैयारी कर रखी थी। यानी पहले दिन जब उसने अटैक किया था, सरप्राइज अटैक किया था, इतना हंगामा बरपाया था, उसके बाद से हमास को अंदाजा था कि इजराइल की तरफ से कार्रवाई होगी तो हमें काउंटर किस तरह से करना है। और यही वजह है कि देखिए तीसरे दिन भी IDF के लगातार दक्षिणी इजराइल पर अपना कंट्रोल कर लेने के बावजूद भी हमास के हमले जारी हैं। हमारे रिपोर्टर खुद उस वक्त जब एयरपोर्ट पर थे तब हमले हुए थे और ऐसा कोई इलाका दक्षिणी इजराइल का भी नहीं है जिसे IDF कह सकती है कि यहां पर अब हमास का हमला नहीं हो पाएगा। तो ये हमास की तैयारी है अभी आने वाले कुछ दिनों तक इजराइल की सेना से लड़ाई लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ।